हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फैंटेसी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के सेकेंड मैच के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पिच के बारे में, पिच रिपोर्ट बताएंगे। वहीं पे आज हम बात करेंगे हमारे ड्रीम इलेवन टीम में कौन कौन प्लेयर होने वाला है और सीबीसी सिलेक्शन किसको करें, किसको कैप्टन बनाए, किसको वाइस कैप्टन बनाए, और हमारा इंडिया से कितना प्लेयर होने वाला है और वेस्ट इंडीज से कितना प्लेयर होने वाला है, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर इसके बारे में बात करने से पहले अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाइए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उसको भी जाके जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसको आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको टीम का जितना अप टू डेट होता है वहीं पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और ओरिजिनल टीम भी लाइनअप आने के बाद वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो देर नहीं करें, जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लें। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बारे में। पहला मैच जो इंडिया जीत लिया है एक पारी और 141 रनों की शानदार प्रदर्शन से, और वहीं पे शानदार प्रदर्शन रहा रोहित शर्मा और जसवाल का, और बॉलिंग में प्रदर्शन रहा जडेजा और अश्विन का, इन दोनों का शानदार चारों बैटमैन के शानदार प्रदर्शन की वजह से इंडिया ने जीत लिया मैच। और यही मैच जो होने वाला है, यह मैच होने वाला है क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में। यह मैच होने वाला, इस पिच की अगर बात करें तो इस पिच पे खेले गए अभी तक 61 मैच में फर्स्ट बॉलिंग करने वाले ने 18 जीते हैं, सेकंड बॉलिंग करने वाले ने 20 जीते हैं। वहीं तो अगर बात करें हाईएस्ट स्कोर इस पिच पे कितना रहा है, तो हाईएस्ट स्कोर अभी तक बने 681 और लोवेस्ट स्कोर बने हैं 46। वहीं पर फर्स्ट इनिंग की अगर बात करें, फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर बनता था, फर्स्ट इनिंग में 302, सेकेंड इनिंग में 304 और थर्ड इनिंग में 262 और फोर्थ इनिंग में 168। जैसे मतलब जैसे जैसे इनिंग बढ़ता वहाँ पे रन कम होता जाता और बॉलर को मदद मिलता जाता, तो इस पिच पे मदद मिलेगा पेशर को इस पिच पे मदद मिलने वाला, और वहीं पे बैट्समैन को काफी मदद मिलने वाली है इस पिच पे। तो इस पिच पे पेशर और बैट्समैन का दबदबा आज के मैच में रहने वाला है। और इस पिच में जो पहला जो मैच हुआ था इसमें इस तरह से प्रदर्शन किया था इंडिया में, रोहित शर्मा ने 103 रन बनाए थे और जसवाल ने 171 रन, वहीं पे शुभम गिल ने 6 रन बनाए थे और विराट कोहली ने मात्र 76 रन विराट कोहली ने भी बनाए थे, और अजिंक्य रहाणे 3 रन बनाए थे। वहीं पर रविंद्र जडेजा ने 37 रन बनाकर 5 विकेट चक्के थे दोपहरी में। वहीं पे ईशान किशन ने मात्र 1 रन बनाए थे। वहीं पर अगर बात करें अश्विन की, तो अश्विन ने 12 विकेट निकाले हैं। वहीं पर अगर बात करें सरदार ठाकुर के 1 विकेट निकाले हैं। वहीं पे जय उनादकर ने कोई विकेट नहीं लेता। वहीं पे मोहम्मद सिराज ने दोनों पारी में 1-1 विकेट चटकाया। वहीं पर अगर बात करें वेस्ट इंडीज के प्लेयर के बारे में, तो के ब्रेसवेट है जिन्होंने 2 पारी खेले, दोनों में 1 में 20 और 1 में 7 रन बनाए हैं। वहीं पर पी चंद्र पॉल है जिन्होंने 12 और 7 रन बनाए हैं। वहीं पे आर रेफल है वो 2 और 11 रनों की पारी खेली। वहीं पे जे ब्लैकवुड है जो 14 और 5 रन की पारी खेली है। वहीं पे ए अथनंजी है जो जिन्होंने 47 और 28 रनों की पारी खेली और 1 विकेट भी लिए हैं। वहीं पे अगर बात करें डीजे सिल्वा जिन्होंने 2 और 13 रनों की पारी खेली है। वहीं पे जे होल्डर है 18 और 20 रनों की पारी खेली है। वहीं पे अगर बात करें ए जोसेफ जिन्होंने 4 और 13 रन बनाए थे और 1 विकेट भी लिए हैं। वहीं पर अगर बात करें आर क्रोनवाल जिन्होंने 19 और 4 रन बनाए थे और 1 विकेट भी लिए थे। वहीं पे के रोज जिन्होंने 1 रन और दूसरे पारी में 0 और 1 विकेट लिए थे। वहीं पर अगर बात करें जे रिकन जो 1 और 18 रन बनाए थे और 1 विकेट लिए थे। इस तरह से दोनों टीमों का प्रदर्शन रहा। और वहीं पर अगर हेड टू हेड की बात करें दोनों की, तो 99 मैच खेले हैं, 99 में 23 इंडिया ने जीते हैं और 30 वेस्ट इंडीज ने जीते थे। इस हिसाब से वेस्ट इंडीज का 15 भाग है। लेकिन पिछले कुछ मुकाबले से अगर बात करें, तो पिछले 5 मैचों के 5 सीरीज की बात करें, तो 5 सीरीज में भारत ने 5 और सीरीज जीते हैं। वहीं पर अगर 5 मैच की बात करें, तो 5 मैच भारत ने ही जीते हैं। तो इस हिसाब से कुछ दिनों से भारत के दबदबाव बना हुआ है वेस्ट इंडीज पे। तो हम जो टीम बनाने वाले हैं आज, वो इंडिया के फेवर में टीम बनाएंगे। तो पिछला भी जो मैच था वो भी इंडिया के फेवर में गया था, ये भी मैच भी इंडिया के फेवर में गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। तो कुछ अलग होने वाला इस तरह से, तो आज जो हम टीम बनाएंगे, जो हमारा टीम का स्ट्रक्चर होने वाला इस तरह से होगा, 1 विकेट कीपर और 3 बैट्समैन और 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर, इस तरह से हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लेने वाले हैं। चलिए आपको हम बताते हैं लेकर। विकेट कीपर में 1 हमको लेना है, तो विकेट कीपर में देखिए 7वें नंबर पे
किशन आता है और धीरे सिल्वा छठे नंबर पर आता है, तो इसका जो सिलेक्शन परसेंटेज है कुछ हाई है, ठीक है। तो हम विजय सिल्वा को नहीं लेकर हम यहाँ पे लेंगे किशन को, आई किशन को लेंगे। वहीं पर बैट्समैन की अगर बात करें तो बैट्समैन में रोहित शर्मा और जसवाल ने पिछले मैच में एकदम शानदार परफॉर्मेंस किया, तो इसका परसेंटेज बहुत हाई हो गया। जसवाल 92% लोग लेके जा रहा है और वहीं पर 85% रोहित शर्मा को लोग लेके जा रहे हैं, तो ये दोनों के लेके इस मैच में हम नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैच पेचर को मदद मिलेगा, ये दोनों को हम छोड़ देंगे, इसलिए कि इसको कैप्टन वाइस कैप्टन और लगभग लोग इस दोनों को लेके जा रहा था, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको छोड़ेंगे। हम यहाँ पे देंगे गिल को, शुभम गिल को, शुभम गिल को लेंगे। वहीं पे हम दूसरा बैट्समैन लेंगे विराट कोहली को, विराट कोहली को लेंगे। वहीं पर तीसरा जो बैट्समैन हमारा होने वाला, तीसरा बैट्समैन इधर से होगा चंद्रपोल। चंद्रपोल के स्पीच पे बढ़िया परफॉर्मेंस है, यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन किया, तो हम चंद्रपोल के लिए करेंगे, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत कम है, 30% लोग इसको लेके जा रहे हैं, दो पारी में फॉलो रहा, लेकिन हम इसमें लेके चलेंगे चंद्रपोल। वहीं पर ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमको यहाँ पे जडेजा को तो एकदम हर हाल में रखना है, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा और वहीं पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं इधर से होल्डर, जैसन होल्डर को, जैसन होल्डर। यहाँ पे अश्विन को आज हम ड्रॉप करेंगे, अश्विन को इसलिए ड्रॉप करेंगे कि अश्विन को 97-98% लोग लेके जा रहे हैं और इन्होंने फर्स्ट मैच में इतना विकेट निकाला। हम ये नहीं कहते आप लेके जा सकते, इसके साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसको काफी लोग लेके जाएगा तो ये हमारे लिए ग्रैंड लीग के लिए सही नहीं होगा, तो हम इसको आज ड्रॉप करेंगे, मात्र जडेजा करेंगे, क्योंकि जडेजा ऊपर खेलने भी आता और बॉलिंग भी करता है, तो हम जडेजा को रखेंगे और अश्विन को, हम रविचंद्र अश्विन को ड्रॉप कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर जैसन होल्डर को रख लिया और दूसरा एक और मेरा जो होगा इधर से हम रखेंगे, इधर तो हम रखेंगे जो ऑलराउंडर हमारा होने वाला है जैसन होल्डर, क्रोनवाल या आर राइफर को, तो आर राइफर को मात्र 4% लोग लेके जा रहा है और ये तीसरे नंबर पे खेलने आता, तो हम इसको लेके जाएंगे आर राइफर को। आर राइफर और वहीं पर अगर बॉलर की बात करें दोस्तों, बॉलर को आज जो हम रखने वाले हैं मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज ये हमारा बॉलर रहा, और दूसरा जो बॉलर हमारा होने वाला शार्दुल ठाकुर, ठाकुर और दो बॉलर जो हम इधर से लेंगे, दो बॉलर जो हमारा होने वाला है इधर से, तो एक को लेंगे के रोच, के रोच को लेंगे, एक वह अलियारी जोसफ उसको हम लेके चलेंगे। एक टीम मेरा ये क्रिएट हो गया, ठीक है। दूसरे टीम के लिए अगर बात करें तो दूसरे टीम में यहाँ पे आप इसको हटाकर, इसको हटाकर आप किशन को हटाकर डीवी सिल्वा को रख सकते हैं, डीजी सिल्वा को आप रख सकते हैं, जेडी सिल्वा को, सिल्वा को आप रख सकते हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली और शुभम गिल है, तो विराट कोहली का परसेंटेज है हाई, 91% इसको लेके जा रहा है, तो शुभम गिल को आप रखिए। वहीं पर आप यहाँ पे विराट कोहली के जगह पर जसवाल या रोहित शर्मा को आप लेके चल सकते हैं, तो आप यहाँ पे रोहित शर्मा को लेके चलिए, शुभम गिल और रोहित शर्मा। और ये जो है टी चंद्रपोल, इसके जगह पर आप के ब्रैथवेट को लेके चल सकते हैं, के ब्रैथवेट। और यहाँ पे है होल्डर, और ये तो होल्डर हमारा रहेगा, इसके जगह पे, इसके जगह पे हम अश्विन को लेके चलेंगे, अश्विन को लेके चलेंगे, बाकी दोनों की दोनों प्लेयर सेम रहेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें बॉलर में, तो बॉलर हमारा सेम रहेगा, शार्दुल ठाकुर के जगह पे आप इधर से मोहम्मद सिराज रहेगा, लेकिन शार्दुल ठाकुर के जगह पे आप जे उनाल्टो को लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका 2% मात्र सिलेक्शन है, पिछला मैच में विकेट नहीं लिया, और ये
जो पिच है आज होने वाला है, पेशर को मदद मिलने वाला, तो पेशर के लिए जे उनादकर को आप लेकर चल सकते हैं इसमें। जे उनादकर को आप लेकर चल सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें इधर, यहाँ पे तो हो गया, वहीं पर अगर बात इधर करें तो इधर आप जोसल को ले लिए हैं, फिर उसके लिए यहाँ पे आप उसको लेके चल सकते हैं, वरिकल को आप लेके चल सकते हैं, या अथनाजे को लेके चल सकते हैं। ये प्लेयर सेम ही रहेगा, एक ही आप इसमें बदलाव कीजिए, जोसफ रहेगा और केरोच रहेगा, और यहाँ पे आप शार्दुल ठाकुर के जगह पर जे उनादकर को लेके चलिए। अब बाकी आप इस बॉल इसमें आप चाहते हैं तो शुभम के जगह पे आप इसको भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे है ना चिकेंड में, यहाँ पे जेडी सिल्वा हो गया, के ब्रेथ हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, तो के ब्रेथ के जगह पे आप एक और टीम में आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अथनाजे को। और वहीं पे अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे दो प्लेयर इसमें कर लीजिए या एक इसमें से हटा लीजिए, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में से एक हटा के हम बैट्समैन सेक्शन में एक और भाग लेंगे, ठीक है, एक और कर लेंगे, बैट्समैन सेक्शन में एक और कर लेगा, हम यहाँ पे इसको दूसरा मैच में हटा देंगे, ठीक है, दूसरा जो टीम बनेगी इसमें एक हटा देंगे, यारी जोसफ को या इसको के रोच को रखिए, दोनों में से एक। अब बाकी यहाँ पे हम इसको रख लेंगे, यहाँ पे विराट कोहली और शुभम गिल और किशन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मैच में रहेगा टी चंद्र पॉल, और यहाँ पे रहेगा ये अथनाजी ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा टीम क्रिएट होगा। यहाँ पर ये टीम हम क्रिएट कर लिए। वहीं पर अगर हम बात करेंगे अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो बहुत महत्वपूर्ण लगता है, तो इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बस ऑप्शन आपको बता देते हैं। कैप्टन के लिए आप यहाँ पे ट्राई कीजिए शुभम गिल को, जो मात्र 4-5% आदमी लेके जा रहा है शुभम गिल को, और वाइस कैप्टन के लिए आप यहाँ पे इसको भी ट्राई कर सकते हैं, मोहम्मद सिराज को VC, क्योंकि फास्टर को मदद मिलने वाला है। वहाँ पे आप रविंद्र जडेजा को भी VC में ट्राई कर सकते हैं, और विराट कोहली को आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन में। चंद्रपॉल इसको भी आप कैप्टन में आज ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रपॉल को मात्र 7% लोग लेके जा रहा है, और इस पिच पे इसका बढ़िया परफॉर्मेंस है, बढ़िया इसका हिस्ट्री है, तो चंद्रपॉल को आप कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं, चंद्रपॉल को। और वहीं पे वाइस कैप्टन में आप शुभम गिल हो गया या विराट कोहली हो गया, इन दोनों को आप लेके चल सकते हैं वाइस कैप्टन में, या रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन में ले लीजिए, या बॉलर को भी आप वाइस कैप्टन में इसके साथ लेके जा सकते हैं। ये तीन आपका कैप्टन का हो गया, शुभम गिल, विराट कोहली और टी चंद्र पॉल, ये कैप्टन के लिए आपका हो गया। वाइस कैप्टन के लिए मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, और वहीं पे एक और बात करें तो अथनाजी को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि अथनाजी जो है बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, तो बॉलिंग में भी आपको मदद देगा, क्योंकि बॉलिंग करता है जो अथनाजी, ये ऑफ ब्रेक करता है, तो इसको आप बॉलिंग में एक आध विकेट के निकाल कर देगा, और बैटिंग भी बढ़िया करता है, तो इसको भी आप वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप जेसन होल्डर को ट्राई कर सकते हैं, जेसन होल्डर आपको खेल जाते हैं 7वें नंबर पे, जो कि फास्टर बॉलर है, और पिछले मैच में 18 और 20 रन बना दिए, इसको भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका हुआ जब तक शुभम गिल को कैप्टन बना रहे हैं, तो टी चंद्रपॉल को वाइस कैप्टन बनाइए, शुभम गिल को कैप्टन बना, विराट कोहली को कैप्टन बना रहा है तो टी चंद्रपॉल को कैप्टन बनाइए, चंद्रपॉल को अगर कैप्टन बना रहे हैं तो शुभम गिल या विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाइए। वहीं पर अगर कैप्टन बना रहा है शुभम गिल या विराट कोहली को, तो यहाँ पे आप वाइस कैप्टन में लेके चल सकते हैं मोहम्मद सिराज को, या तो दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन में लेके जा सकते हैं, क्योंकि आज जो होने वाला है मैच, मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो पहला इसका दो जो विकेट है पहले गिरेगी, रोहित शर्मा और जसवाल का पहले विकेट गिर जाना है, ये दोनों अपना काम कर चुका, अब बारी है शुभम गिल और विराट कोहली का, ये दोनों कल के इस मैच में हाईएस्ट रन करने वाला है, ये दोनों का आप कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं। वहीं पे साथ में वाइस कैप्टन के लिए मोहम्मद सिराज है, रविंद्र जडेजा है और टी चंद्र पॉल है, इस तरह से आप टीम को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका बेहतरीन टीम रहने वाला है आज के लिए, जब तक आप ग्रैंड लीग की टीम बनेगा, जब तक आपका मतलब ढंग का टीम नहीं बनेगा, जब तक आप कुछ प्लेयर को ड्रॉप नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा परसेंटेज वाले प्लेयर को ड्रॉप नहीं करेंगे, जब तक तो कोई फायदा नहीं गया। ऐसा प्लेयर अपने टीम में रखिए जो खेलने पहले आता हो, सिलेक्शन कम हो, वैसा प्लेयर को अगर आप टीम में रखते हैं, तो वो अगर प्लेयर आपके लिए काम कर दिया तो आपका टीम रैंक करना स्टार्ट कर देगा, और आपके रिश में कोई रहेगा भी नहीं,
दूसरे प्लेयर को लेके चले, तो उस तरह का प्लेयर है शुभम गिल, विराट कोहली, चंद्र पोल, ठीक है, रविंद्र जडेजा, जेसन होल्डर और हो गया आर राइफक, ये हो गया ठीक है। और वहीं पर हो गया मोहम्मद सिराज, सरदुल ठाकुर, केरोज, ए जोशन, ये आपका टीम हो गया। तो इस तरह से आप टीम बनेंगे, बाकी आपका जो टीम है वो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये टीम को भी आप लेके जा सकते हैं। ये अभी टीम बना है, लेकिन ये टीम अभी जो है आपको तत्काल में दिया है, हो सकता है इस मैच में इधर वेस्ट इंडीज से आपको कुछ प्लेयर को बदलते हुए नजर आए, तो ये भी हो सकता है। फिलहाल ये है, बाकी आपको ओरिजिनल जो टीम है लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो जल्दी से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।